देश के पहले सीडीएस बिपिन रावत व उनकी पत्नी मधुलिका रावत तथा उनके साथ हेलीकॉप्टर में सवार अन्य सदस्य, जिनकी तमिलनाडु के कुन्नूर में हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त होने की वजह से इन सभी लोगों का निधन हो गया और इन सभी लोगों को देशवासियों की तरफ से श्रद्धांजलि। इनके योगदान को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता है। सीडीएस बिपिन रावत वो शख्स जिन्होंने 20 साल की उम्र में ही सेना को ज्वाइन कर लिया था तथा 28 साल की उम्र में इन्होंने एलएसी पर इन्फेंट्री बटालियन के प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला और 58 साल की उम्र में इन्हें उप सेना प्रमुख और उसी साल इन्हें सेना प्रमुख के रूप में भी नियुक्त किया जाता है। और इसके 2 साल बाद यानी तीसरे साल में 61 वर्ष की उम्र में इन्हें सीडीएस यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी देश का पहला सीडीएस नियुक्त किया जाता है। इनका योगदान कभी भी भुलाया नहीं जा सकता है। जब भी इतिहास के पन्नों में देश की सुरक्षा सेनाओं की बात होगी, शौर्य की बात होगी, सुरक्षा की बात होगी, तब सीडीएस बिपिन रावत जी को हमेशा याद किया जाएगा। ठीक उसी तरह से जिस तरीके से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस देश के लिए अपना एक अतुल्य योगदान दिया जिसे देश कभी नहीं भुला सकता, सीडीएस बिपिन रावत जी आप भारत और भारत के लोगों के दिलों में ठीक उसी तरह अमर रहेंगे। और मैं चाहता हूं कि पूरा देश शौर्य के रूप में याद करे। ये ना सिर्फ एक सेना प्रमुख थे बल्कि देश के पहले सीडीएस यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। सीडीएस कहते किसे हैं, जरा हम इसके बारे में बात करते हैं। जो देश में सेनाएं होती हैं उनके 3 अंग होते हैं, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी। इन सभी पार्ट के अलग अलग प्रमुख होते हैं। आर्मी प्रमुख को जनरल कहते हैं, नेवी प्रमुख को एडमिरल बोलते हैं और वायुसेना प्रमुख को एयर चीफ मार्शल कहते हैं। दरअसल जिस तरीके से युद्ध के हालात बदल रहे हैं, रणनीतियां बदल रही हैं, दुश्मन देश अपने तौर और तरीके बदल रहे हैं, ऐसे हालात में सेना उसका प्रशिक्षण तथा युद्ध के नए हथियार को भी बदलना जरूरी था। एक ऐसे दौर में जब एक ऐसे पद का गठन किया जा रहा था तब दिमाग में ये बात रखी जा रही थी कि इन तीनों सेनाओं को लीड करने वाला एक ऐसा व्यक्ति हो जो सेनाओं के साथ साथ देश की सरकार के बीच में एक कड़ी के रूप में काम करे। इससे पहले जो सेनाएं थी वो अपना अलग अलग रिपोर्ट कार्ड सरकार को सौंपती थी, जिसकी वजह से तीनों सेनाओं के बीच तालमेल नहीं हो पाता था और उनके पास जो हथियार हुआ करते थे उसका सही उपयोग नहीं हो पाता था। सीडीएस जैसे एक पद की व्यवस्था की और इस पद पर सबसे पहले आसीन होने का मौका सीडीएस बिपिन रावत जी को मिला। बिपिन रावत जी वो शख्स हैं जिन्होंने भारतीय सुरक्षा और भारतीय सैन्य बलों का इतिहास बदल दिया। इन्होंने भारतीय सेनाओं को आधुनिक बनाने के लिए हर वो प्रयास किया जो किए जा सकते थे। शायद इनकी जगह कोई और होता तो ये सारे प्रयास इतने बड़े स्तर पर और इतने कम समय पर नहीं कर पाता। एक तरफ जब पाकिस्तान बार बार युद्ध जैसे हालात का निर्माण करता हो, दूसरी तरफ दुश्मन देश चाइना जो कि डोकलाम विवाद को शुरू करता है, और साथ साथ वो दौर भी आता है जब कोविड-19 के दौर में पूरी दुनिया ठप हो जाती है और इसी के साथ भारत में भी लॉकडाउन लग जाता है। इन तमाम परिस्थितियों के बीच उन्होंने सेनाओं के लिए निरंतर काम किया। वो लगातार अपना फ्रेमवर्क पूरा करते रहे और उन सभी कामों को अंजाम देते रहे जिससे भारत की सुरक्षा स्थिरता कभी भी ना डगमगाए। शायद ये काम कोई और नहीं कर पाता। आपने जो योगदान दिया आपके इस योगदान को देश कभी नहीं भुला पाएगा। सेना प्रमुख सीडीएस बिपिन रावत जी के कार्यकाल में ही भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, डोकलाम और धारा 370 जैसे कठिन समस्याओं का निपटारा देखा। जो काम कभी सोचा नहीं जा सकता था वो काम सीडीएस बिपिन रावत जी के नेतृत्व में किया गया। सरकार फैसले लेती थी लेकिन उन फैसलों को हकीकत में लाना, 100% सटीकता के साथ उन्हें लागू करना और भारत की सफलता का एक नया इतिहास लिखना, ये काम अगर कोई कर सकता था तो सिर्फ और सिर्फ सीडीएस बिपिन रावत जी कर सकते थे। देश में और भी लोग आएंगे, इस पद पर बैठेंगे, काम करेंगे, लेकिन जो काम, जो समर्पण, जो कुशलता
बिपिन रावत जी ने दिखाई वो शायद ही कोई कर पाए। आपकी कमी पूरे हिंदुस्तान को हमेशा आपकी याद दिलाती रहेगी। जो चाइना अपने आप को एशिया में सुपर पावर समझता था और एशिया के देशों को वो हमेशा डराने और धमकाने की कोशिश करता था, जिस भारत के लोगों के दिमाग में बात बैठ गई थी कि चाइना से युद्ध नहीं लड़ा जा सकता है, उस भारत के लोगों को आपने विश्वास दिलाया कि चीन भारत का बाल भी बांका नहीं कर सकता है, चाहे वो हालात चीन के साथ सीमा पर किसी भी इलाके में हुए हो। आपने न सिर्फ विश्वास दिलाया बल्कि भारत के लोगों में एक नई चेतना जागृत किया, जिससे ये पूरे भारत को महसूस होने लगा कि भारत अब सुरक्षित हाथों में है। जिस चीन से दुनिया डरती थी, उस चीन को आपने अपनी कुशलता और रणनीति के दम पर देश की सीमाओं पर ही आपने उसको ढूंढ चटा दिया। भारत के लोगों में शायद कोई विश्वास आता ही नहीं कि चीन जैसी शक्ति से मुकाबला किया जा सकता है, लेकिन आपके कुशल नेतृत्व ने, आपकी सूझबूझ ने और आपके द्वारा लिए जाने वाले कड़े और बड़े फैसले ने ये साबित कर दिया कि भारतीय सेना किसी से कम नहीं है। आपने भारतीय सेना को आधुनिकता के दौर में लाने के लिए, भारतीय सेना को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए और भारतीय सेना को आने वाले खतरे या आने वाले युद्ध के नए आयाम से निपटने के लिए आपने जो काम किया है, देश सदा आपका आभारी रहेगा। मैं बात करना चाहता हूं हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त के बारे में। सीडीएस बिपिन रावत व उनकी पत्नी मधुलिका रावत दिल्ली से तमिलनाडु के लिए रवाना होते हैं एक विशेष विमान के द्वारा, हेलीकॉप्टर MI-17B5 के द्वारा। वो सुलूर एयरबेस से उड़ान भरते हैं और उनका हेलीकॉप्टर कुन्नूर यानी कि तमिलनाडु के जो पहाड़ियां हैं वहां पर जाकर के दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। और उस समय लगभग 12:20 हो रहा था और शाम को लगभग 6 के आसपास भारत के लोगों को एक खबर मिलती है कि इस हेलीकॉप्टर दुर्घटना में सीडीएस बिपिन रावत जी का निधन हो गया। इस निधन की खबर से पूरा भारत, हर भारतीय शोक में डूब गया, क्योंकि आपने जो इस भारत के लिए किया, आपने इस भारत के लिए जो योगदान दिया वो अतुल्य है, उसकी कीमत नहीं चुकाई जा सकती। भारत ने माँ भारती के उस वीर सपूत को खो दिया जिसकी लंबे समय से इस देश को जरूरत थी, और आपने अपने पद पर रहते हुए वो सारे काम इतनी कुशलता के साथ किया कि देश आज आपके गम में डूब गया है। देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, इन सभी लोगों ने अपने अपने विचार ट्विटर के माध्यम से व्यक्त किए हैं। गृह मंत्री अमित शाह जी ट्वीट करते हैं, बिपिन रावत जी का निधन दुखद दिन है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का ट्वीट आता है, बिपिन रावत जी का निधन देश के लिए एक बड़ी क्षति है। राष्ट्रपति जी का ट्वीट आता है, देश ने भारत के सपूत को खो दिया। तथा प्रधानमंत्री जी का ट्वीट आता है, जनरल रावत के निधन से दुखी हूं। न सिर्फ देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, बल्कि पूरा देश आज आपके इस निधन की वजह से ऐसे घोर सदमे में चला गया है जिससे बाहर निकल पाना बड़ा मुश्किल हो गया है। बिपिन रावत जी, आप हमेशा इतिहास के पन्नों में अमर रहेंगे। जिस तरीके से देश के महान वीर स्वतंत्रता सेनानी हमेशा के लिए अमर हो गए, उसी तरीके से इतिहास के पन्नों में आपका नाम हमेशा अग्रणी रूप से लिया जाएगा। जब आप देश के पहले CDS बने थे, तब आपने उस वक्त एक बात कहा था कि कुछ जिम्मेदारियां बहुत बड़ी होती हैं, लेकिन शायद वो अधूरी रह जाती हैं। आज के हुए इस घटनाकाल में ये याद दिला रही हैं कि शायद आपकी जो कमी है वो कभी पूरी नहीं हो सकती। जब आपने ये कहा था कि पहली गोली हमारी नहीं होगी, लेकिन दुश्मन की गोली चलने के बाद हम गोलियों की गिनती भी नहीं करेंगे, हर भारतीय का जो सीना है वो 56 का हो गया था और उनको ये विश्वास हो गया था कि जब तक बिपिन रावत जी हैं तब तक दुश्मन देश की तरफ नजर भी उठाकर नहीं देख सकता है। चाइना के सैनिक भारत के कुछ क्षेत्रों में ऑपरेशन के तहत कब्जा करना चाहते हैं और आपने स्पेशल फोर्स के जवानों को रातों रात तैयार करके उस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए भेज दिया और चीन को भनक तक नहीं लगी और हमारी स्पेशल फोर्स के कमांडोज ने उस हिल एरियाज को अपने कब्जे में ले लिया और चीन सदमे में रह गया। आपने इन सभी परिस्थितियों में एक ऐसी सूझबूझ और रणनीति के साथ काम किया जिसने भारत को हमेशा फक्र महसूस करवाया और आपने ये विश्वास दिलाया कि भारतीय सेना जब तक है और जब तक भारतीय सेना का नेतृत्व करने वाले CDS बिपिन रावत जैसे लोग हैं, तब तक इस देश पर आंच भी नहीं आने वाली। और आज जब आप नहीं हैं तो ये हिंदुस्तान आपके लिए आंसू बहा रहा है, शायद इसीलिए कि हमारा वो शेर, मातृभूमि का वो सपूत, भारत माता का वो लाल,
जिसने भारत की सुरक्षा को इतना मजबूत किया, जिसने भारत को उस नई बुलंदियों तक पहुंचाया, जिसने एक साथ इतने सारे खतरों से लड़ते हुए भारतीय शौर्य का परिचय दिखाया, आज वो हमारे बीच नहीं है। आप अपने काम के लिए, अपने शौर्य के लिए, अपने कड़े फैसले के लिए इस हिंदुस्तान की जनता द्वारा, हिंदुस्तान में रहने वाले हर भारतीय द्वारा हमेशा हमेशा के लिए उसके दिलों में आप बस गए। जब तक इतिहास चलेगा तब तक आपका नाम चलेगा, जब तक की दुनिया चलेगी तब तक आपको कोई भुला नहीं पाएगा। हर भारतवासी हमेशा नमन करता रहेगा। आपने जो माहौल बनाया सुरक्षा का, और आपने न सिर्फ माहौल बनाया बल्कि उसको करके दिखाया। भारत के लोगों में जो विश्वास की भावना ही नहीं थी कि हम चीन से कभी सामना भी कर पाएंगे, और आपने आंख से आंख मिलाकर आमने सामने खड़े होकर ये साबित कर दिया कि आपके होते हुए कुछ भी असंभव नहीं था। और आपने भारतीय सेना को जिस मुकाम तक पहुंचाया है, भारतीय सेना इस नए मुकाम को और आगे तक लेके जाएगी और आपके उस सपने को पूरा करेगी। आप जैसा भारत बनाना चाहते थे, आप जैसी सेना देखना चाहते थे, आपका वो सपना ये हिंदुस्तान जरूर पूरा करेगा। हेलीकॉप्टर दुर्घटना में जिन सभी 14 लोगों का निधन हुआ है, उसमें सीडीएस विपिन रावत व उनकी पत्नी मधुलिका रावत तथा अन्य 12 सदस्य शामिल थे, तथा कुछ अधिकारी रैंक के लोग भी थे। भगवान आपकी आत्मा को शांति दे। जय हिंद, वंदे मातरम, जय मां भारती।